सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको आने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइमनी ऐप की सहायता से। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना तो हमारे वीडियो को फुल वॉच करें। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होकर आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी फोटो दोस्तों, कितनी देखने में औसम और प्यारी सी लग रही है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, एडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाना होगा और दोस्तों रेमनी ऐप को ओपन कर लेना होगा। आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो जैसे आप रेमनी ऐप को ओपन करेंगे, आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको उस फोटो को ऐड कर लेना होगा जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो जैसे आप फोटो को दोस्तों ऐड कर लेंगे, आपके इन्हेंस के ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको इन्हेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे आप इन्हेंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक छोटा सा ऐड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ऐड को स्किप कर देना होगा। जैसे आप ऐड को स्किप करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से आफ्टर और बिफोर चेंजेस में चेंज हो गई है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी बिफोर फोटो कैसी थी, कितनी ही भद्दी और कितनी गंदी लग रही थी देखने में। आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए। और दोस्तों, अभी आपको आफ्टर फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी ही प्यारी और शानदार हो चुकी है जस्ट वन क्लिक में। आपको जूम करके दिखा दूँ दोस्तों, आपके सामने है रिजल्ट। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, ये देखिए हमारी बिफोर और आफ्टर फ़ोटो में कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब फिर आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों नीचे एडिटिंग के टूल्स देखने को मिल जाएंगे। अब सिंपली आपको दोस्तों कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको कलर्स के ऑप्शन को टच कर लेना होगा। और जैसे आप कलर्स के ऑप्शन को टच करेंगे, आपके सामने दोस्तों एक ऐड देखने को मिल जाएगी। आपको ऐड को स्किप कर लेना होगा। और फिर दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों ये जो 6 नंबर का इफेक्ट दिख रहा है, सिंपली आपको 6 नंबर के इफेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप दोस्तों 6 नंबर के इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक ऐड देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐड को स्किप कर देना होगा। तो दोस्तों, हम 6 नंबर इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे 6 नंबर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इधर कोने में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको सिंपली अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होकर आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है और इसके ड्रेस का कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होकर आफ्टर कुछ इस तरह से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बस जस्ट वन क्लिक में। दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, यदि आपका बैकग्राउंड दोस्तों बहुत हल्का सा ब्लर है, आपकी फ़ोटो नॉर्मल फोन से खींची हुई है, तो आपको बैकग्राउंड ब्लर करना बताएंगे। और अब आपको दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, आपको बैकग्राउंड ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने दोस्तों एक ऐड देखने को मिल जाएगी। फिर दोस्तों, आपको ऐड को स्किप कर लेना होगा। तो फिर आपके नीचे कुछ इस तरह से एडिटिंग के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, लो, मीडियम और दोस्तों हाई। तो दोस्तों, यदि आप मीडियम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो मीडियम सा ब्लर होगा, और जो लो पे क्लिक करेंगे वो हल्का सा नॉर्मल ब्लर होगा, और जो हाई पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका हाई बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो सिंपली हमने इस पर क्लिक कर दिया है तो आपके सामने एक छोटा सा ऐड देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको स्किप कर देना होगा। और दोस्तों, आपको नीचे कोने में अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए जो हमारा बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से ब्लर है और ये आफ्टर कुछ इस तरह से ब्लर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, बिफोर और आफ्टर आपके सामने है, तो ये बैकग्राउंड हल्का सा ब्लर है, इसमें देखिए ज़्यादा ब्लर हो चुका है। फिर सिंपली आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब आपको दोस्तों बैकग्राउंड इन्हेंसर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको बैकग्राउंड इन्हेंसर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने एक ऐड देखने को मिल जाएगी। आपको इसको स्किप कर लेना होगा। गाइस, क्या आप अपनी फिर सिंपली दोस्तों आपको 3 नंबर इफेक्ट पे क्लिक कर लेना होगा। और दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फिर से ऐड देखने को मिल जाएगा। आपको इसको स्किप कर लेना होगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखते रहना क्योंकि ऐप में ऐड बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि दोस्तों ये जस्ट वन क्लिक में आपको फोटो एडिट करके दे देगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही फैंटेस्टिक। तो दोस्तों, अब आपको अप्लाई का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, अब आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। और एक बार फिर से दोस्तों, बिफोर और आफ्टर आपकी फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। ये बिफोर और दोस्तों ये आफ्टर, हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब आपको दोस्तों क्या करना होगा, अब आपको दोस्तों लास्ट में कोने में फेस इन्हेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपको फेस इन्हेंसर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा।
और इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐड देखने को मिल जाएगा, तो आपको ऐड को स्किप कर लेना होगा। Yes! दोस्तों आपको ऐड को स्किप करने के बाद अब क्या करना होगा, आपको तीन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे एक बार फिर से ऐड देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, इसको कर लेना होगा दोस्तों स्किप। तो दोस्तों फिर आपको कोने में अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, अगेन कोने के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और फिर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जस्ट बिफोर और आफ्टर में फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये हमारा बैकग्राउंड है और फेस है, और जो बैकग्राउंड ब्लर था, बैकग्राउंड का कलर चेंज था, वो हर कुछ हो चुका है। अब आपको दोस्तों ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐड देखने को मिलेगी, आपको ऐड को स्किप कर लेना होगा और ये फ़ोटो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपको इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लेना होगा। सो दोस्तों हम फाइनली लाइटरूम में पहुंच चुके हैं, तो जैसे आप लाइटरूम में फ़ोटो को ऐड कर लेंगे आपके दोस्तों इधर एडिटिंग के ऑप्शंस या एडिटिंग के टूल्स कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली सबसे पहले आपको दोस्तों एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको एडिट के ऑप्शन को टच कर लेना होगा, और जैसे आप एडिट के ऑप्शन को टच करेंगे आपके सामने बहुत सारे एडिटिंग के टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले लाइट के ऑप्शन को टच कर लेना होगा, और जैसे आप लाइट के ऑप्शन पर टच करेंगे आपको इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर लेना होगा दोस्तों -15, और इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर लेंगे दोस्तों +12, और इसकी शेडोज़ की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे दोस्तों प्लस की तरफ, इसको कर देंगे 20, और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे +34, और देन दोस्तों आपको इसकी ब्लैक्स की वैल्यू को हल्का सा माइनस की तरफ ले जाना होगा, इसको कर देंगे -20, और फिर लाइट के ऑप्शन को कर देना होगा डन। अब आपको सिंपली दोस्तों इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और फिर आपको इसकी क्लियरिटी की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +22, और इसकी टेक्सचर की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों -23, और इसकी डीहेज की वैल्यू को दोस्तों हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे +23, और फिर आपको विग्नेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको विग्नेट के ऑप्शन को टच कर लेना होगा, और आपको इसकी अमाउंट की वैल्यू को बहुत हल्का सा दोस्तों माइनस की तरफ ले जाएंगे, इसको कर लेंगे -20, और इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे +69, और इसकी फीदर की वैल्यू को बढ़ा करके कर देंगे +78, और देन दोस्तों आपको इसकी हाइलाइट्स की वैल्यू को कर देना होगा +29, और फिर आपको सिंपली इफेक्ट्स के ऑप्शन को कर देना होगा डन। और दोस्तों आपको डिटेल के ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको सामने नॉइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको नॉइज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू कर देना होगा +49, और इसके कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को कर देंगे +36, देन दोस्तों आपको इसके डिटेल के ऑप्शन को भी कर देना होगा डन। अब दोस्तों आपको सिंपली कलर टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको कलर टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको इसके टेम्परेचर की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देना होगा, इसको कर देंगे +10, और इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे +8। अब दोस्तों आपको कोने में मिक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, सिंपली आपको मिक्स टूल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे एडिटिंग के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। देन दोस्तों आपको डार्क ब्लू टोन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100। देन दोस्तों आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को भी कर देना होगा -100। सिंपली आपको सियान ब्लू टोन का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -100, और इसकी ह्यू की वैल्यू को दोस्तों कर देंगे -100। देन दोस्तों आपको ग्रीन टोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देना होगा -100, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे -100, और फिर आपको दोस्तों येलो टोन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, आपको इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देना होगा -100, और आपको इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा दोस्तों +100। देन दोस्तों आपको इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देना होगा +27, और फिर आपको दोस्तों इसकी स्किन टोन को सही करने के लिए आपको ऑरेंज टोन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना होगा, और आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देना होगा -30, और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों +43। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे ये देखिए दोस्तों हमारा फेस कितना गोरा हो चुका है। अब आपको सिंपली डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और फिर आपको दोस्तों एडिट कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको कलर के ऑप्शन को डन कर देना होगा, और फिर आपको दोस्तों मास्किंग का ऑप्शन साइड में दिख जाएगा, प्यारे दोस्तों आपको मास्किंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। दोस्तों वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहना है।
अब आपको दोस्तों जैसे आप मास्किंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, आपके सामने प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से एडिटिंग के टूल्स ओपन हो जाएंगे, ब्रश, लाइनर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कलर रेंज और लुमिनेंस रेंज। तो सिंपली आपको कलर रेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके दोस्तों फोटो पे एक सर्किल बन के आएगा, इसको दोस्तों घसीट करके कुछ इस तरह से कोने में लगा देंगे। और फिर सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको इसकी रिफाइन की वैल्यू को कर देना होगा, हल्का सा इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, और फिर दोस्तों जब रेड कलर का बैकग्राउंड है जो कम पड़ जाए तो आपको दोस्तों इसको फिर से मिला लेना होगा। ये दोस्तों ध्यान रहे कि इस फेस पे ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं रहना चाहिए। और फिर आपको इसकी दोस्तों रिफाइन की वैल्यू को कर देना होगा एकदम से +3। ये देखिए दोस्तों हमने इसकी वैल्यू को कर दिया है +2। अब सिंपली आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको प्यारे दोस्तों अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और देन दोस्तों आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, आपको कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको इसकी टेम्परेचर की वैल्यू को कर देना होगा +100, इसकी टिंट की वैल्यू को कर देंगे दोस्तों -100, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे +100। फिर आप लोगों को दोस्तों ह्यू के ऑप्शन पे आ जाना होगा, आपको दोस्तों इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देना होगा, कुछ इस तरह से इसको घटा देंगे, इसको कर देंगे दोस्तों 157.1। और फिर आपको कलर एच के ऑप्शन पे आ जाना होगा, तो सिंपली आपको कलर एच को कर देना होगा दोस्तों, इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को दोस्तों कर देंगे 100। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको पेंसिल का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, आपको पेंसिल का आइकॉन पे क्लिक कर लेना होगा, और दोस्तों आपको दोस्तों ये जो रिफाइन का ऑप्शन हमने 2% किया था, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, और फिर आपको इसकी दोस्तों रिफाइन की वैल्यू को हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे दोस्तों, इसको आप अपने अकॉर्डिंग से जितना भी आप करना चाहते हैं उसको इतना कर देंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों हम इसको बढ़ा करके कर देंगे 49%। ये देखिए दोस्तों हमने इसको 49% कर दिया है। और फिर आप लोगों को क्या करना होगा, अब आपको दोस्तों सिंपली अप्लाई का ऑप्शन कोने में दिख जाएगा, आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारी बिफोर फोटो कैसी थी और एडिट होकर आफ्टर कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो दोस्तों ये फोटो मुझे बहुत ही अच्छी और शानदार देखने में लग रही है। तो आपको इसको गैलरी के अंदर सेव करने के लिए आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, और इस पर क्लिक करते ही आपको सेव कॉपी टू डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों इस फोटो का प्रीसेट का लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।